Look at this tree. This tree is so beautiful now. बस कहीं मिस ना हो जाए इसलिए मुझे रास्ते में चलते चलते ब्रेड खानी पड़ रही है अपना ब्रेकफास्ट. He's afraid of me. He's afraid of everyone. भाई एक नई चीज पता लगी मुझे यहाँ पर. Oh my God, इंडिया में तो बिल्कुल डिफरेंट ही है. गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे. और आज की सुबह कनाडा में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे. कल तक तो मैं नहीं यकीन कर पा रही थी कि मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ. और इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी. कल एक्चुअली इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और एयरपोर्ट से बाहर निकलते निकलते मुझे कोई 6-7 घंटे लग गए. तो यार मैं कल बहुत ज़्यादा थक चुकी थी बिकॉज़ मैं इतने दिनों से घर से निकली हुई थी. पहले घर से दिल्ली तक ट्रैवल किया, फिर दिल्ली से दुबई, फिर दुबई में घूमा, फिर दुबई के बाद मैं कनाडा यहाँ पर आकर के पहुँची. तो यहाँ पर भी फिर एयरपोर्ट में टाइम लगा. तो ओवरऑल कल मेरी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई थी. तो खैर आज मैं बिल्कुल रिफ़्रेश हो गई हूँ, अच्छे से सोई हूँ. जेट लैग जो लगा था वो पूरा अब ठीक हो गया है. कल तो ऐसे लग रहा था कि कोई मुझसे बात कर रहा था ना, तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि कोई क्या बोल रहा है मुझसे, क्या नहीं, क्या पूछ रहा है. एनीवे अभी यहाँ पर टेम्परेचर पता कितना है, यहाँ का टेम्परेचर इस वक्त है 3 डिग्री. इतनी ज़्यादा ठंड है ना यहाँ पे. सुबह जब मैं निकली ना यहाँ पर, मैं कोई आई थी कोई 7-8 बजे यहाँ पे. मैं सोचा मम्मा को कॉल करती हूँ, घर वालों को और नाना नानी को, और उनको दिखाती हूँ यहाँ पे वीडियो कॉल करके. तो मेरी ना ऐसे कुकड़ी जम गई यार, इतनी ज़्यादा ठंड लगी. बट खैर अभी ठीक लग रहा है. तो आज है मेरा पहला दिन, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं थोड़ा सा बाहर निकलती हूँ, थोड़ा सा कनाडा को एक्सप्लोर करके आती हूँ. और मुझे कुछ जो फर्स्ट डे वाले इंपॉर्टेंट काम होते हैं ना, तो मुझे वो भी निपटाने हैं, तो आज वो सब भी करते हैं. सो अभी मैं टेम्परेली ना 6-7 दिनों के लिए इस वाले घर में रहने वाली हूँ. उसके बाद मैं दूसरे घर में शिफ्ट करूँगी. तो अभी फॉर 6-7 डेज दिस इज़ माई होम. सो अभी मैं जा रही हूँ एंड बस कहीं मिस ना हो जाए इसलिए मुझे रास्ते में चलते चलते ब्रेड खानी पड़ रही है अपना ब्रेकफास्ट. एंड हियर इज वन ब्यूटीफुल प्लेस सर, प्योर ऑल नेचुरल एरिया. Oh. Just like 500 meters. Mm-hmm. So here is the bus stop. You should press this thing and it should be white color. Then only you should cross. Okay. So यहाँ पर दबा करके वहाँ पर sign आएगा and then we have to cross the road, right? Yeah, it should be white color. सो भाई यहाँ के रूल्स थोड़े डिफरेंट हैं. कैसे रोड क्रॉस करना है, कैसे बस लेनी है, तो मुझे इन सब चीज़ों का कोई आइडिया नहीं था. तो आई वाज लाइक कि चलो मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, हेल्प ले लेती हूँ. तो जिनके साथ मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ, जिनके घर में, दे आर ऑल मलयालीज, दे आर फ्रॉम केरला. एंड तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो ही इज़ गोइंग आउटसाइड, तो मैं क्या चलो साथ में चल लेती हूँ, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा. yeah, 33 भाई एक नई चीज पता लगी मुझे यहाँ पर. यहाँ का सिस्टम ना कितना डिफरेंट है यार इंडिया से. इंडिया में तो मतलब मारा मारी बढ़ती है कि कौन पहले जाएगा कौन पहले जाएगा, इसलिए इतना ट्रैफिक का इश्यूज होते हैं. और यहाँ पर मैंने देखा कि राउंड अबाउट में इट वाज लाइक हूएवर कम्स फर्स्ट विल क्रॉस द रोड, इज़ इट. ओ माय गॉड, इंडिया में तो बिल्कुल डिफरेंट ही है. आई वाज सो सरप्राइज टू सी कि राउंड अबाउट में जो भी बंदा पहले आएगा, जिसकी भी गाड़ी पहले आएगी वो क्रॉस करेगा, और जो बाद में आएगा उसको वेट करना होगा. और यहाँ पर कोई लाइट सिस्टम नहीं है राउंड अबाउट में. बाकी जगह तो फिर भी है रोड्स पे, बट राउंड अबाउट में नहीं है. सो इट वाज सो सरप्राइजिंग.
ट्राम ट्रेन आ रही है तो ट्राम ट्रेन से हम लोग जाएंगे. इट्स समथिंग सिमिलर टू मेट्रो, जैसे मेट्रो होती है सिटीज़ में तो वैसे ही है, बस छोटी वाली मेट्रो बोल सकते हो आप. आगे 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 बस पास भी ले लिया. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए. मतलब आप एक बार टैप करते हो बस में या फिर ट्रेन में, ट्राम ट्रेन में, और फिर उसके बाद आप एक घंटे तक आराम से ट्रैवल कर सकते हो. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे. सो गाइज, जब हम ना कनाडा में लैंड करते हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम करवाने होते हैं, जैसे कि सिम लेना होता है और हमें सिम भी लेना होता है. एक है सिम, मोबाइल वाला सिम, और एक है सिम विच इज़ सिमिलर टू आधार. तो उसमें सारी, उससे हमारे सारी इंफॉर्मेशन लिंक्ड होती है. तो दैट सिम नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने जैसे ही कनाडा में लैंड किया था तो एयरपोर्ट में ही मैंने सिम ले लिया था, और सिम तो मैं इंडिया से ही लेकर के आई थी. मुझे मेरे जो एजेंट था उन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था सिम, तो वो एक्टिवेट करवा लिया था. आज जो मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट काम था वो था बैंक का. बैंक का काम करवाना था मुझे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं जल्दबाजी में घर से बाहर निकली और मैं अपने सारे डॉक्स घर में भूल करके आ गई. और बिना हार्ड कॉपी के यहाँ पर बैंक के काम नहीं हो सकते थे, तो सॉफ्ट कॉपी से काम नहीं चला. हालांकि मेरे पास है सॉफ्ट कॉपीज़, बट सॉफ्ट कॉपी से नहीं चला. इंडिया में चल जाता है बट यहाँ पर नहीं चलता, यहाँ पर हार्ड कॉपी चाहिए. तो या बैंक का काम अभी हो नहीं पाया है, बट येस आई गॉट माई बस पास. And look at this tree is so beautiful now. कितना प्यारा लग रहा है. सो अभी कुछ ज़्यादा काम था नहीं तो मैंने सोचा कि पास में एक पार्क है. द नेम ऑफ दिस पार्क इज विक्टोरिया पार्क एंड दिस पार्क इज़ वेरी ब्यूटिफुल. तो खूब सारी पिक्स ली है मैंने, और मैंने सोचा चलो वीडियो भी बना लेते हैं, आप लोगों को दिखा भी देते हैं प्यारा सा पार्क. और अभी टाइम पता कितना हो रहा है, अभी 3:30 हो रहे हैं, और देखना मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है कि दोपहर के जैसे 12 बज रहे हो, इतनी ज़्यादा धूप है. और यहाँ पर एक स्ट्रेंज बात पता क्या है, चलो वो मैं आपको शाम को बताऊँगी. कैनेडियन व्हाट? गूस. गूस, द नेम ऑफ दिस लेक इज कैनेडियन गूस. नो नो, दैट थिंग्स नेम. ओके, द बर्ड्स नेम. ओके, द bird's name is Canadian goose. Yeah. And this is lake. So beautiful. No, I don't know the name of the lake. This is man-made lake, right? Yeah. This is not natural lake. No, no. This is so beautiful. White swans and all was there when we came. That was very beautiful to white see. White swans. Yeah. Oh, park itna bada hai na yaar. Thak gayi main chal karke. तो आप चलो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, बैठते हैं. और मुझे इतनी ज़ोर से भूख लगी है बिकॉज़ मैंने सुबह से सिर्फ और सिर्फ 2 ब्रेड्स खाए हैं. अभी एक्चुअली सीन ऐसे है कि 1 मई से मैं शिफ्ट करूँगी अपने जो परमानेंट एकोमोडेशन है जहाँ पर मुझे रहना है लंबे टाइम के लिए. लेकिन 6-7 दिन के लिए आई नीडेड अ टेम्प्रेरी एकोमोडेशन. तो उसके चक्कर में क्या है कि मैं अभी ना कुछ चीज़ें अनपैक नहीं करना चाहती. अभी मैंने बैग्स अनपैक नहीं किए हैं, तो मैंने थोड़ा बहुत ब्रेड्स, बटर, ये सब, मैगी वगैरह जो नॉर्मल सा रेडी टू ईट फूड है, तो वो सब ले लिया है मैंने. तो अभी 6-7 दिन ना मुझे ऐसे गुजारा करना पड़ेगा. बट मुझे आदत नहीं है ना भूखे रहने की, तो अब मुझे मम्मा की याद आ रही है, मम्मा के हाथ के खाने की याद आ रही है. क्योंकि जब भी भूख लगती थी तो मम्मा खाना दे दो, और खाना आ जाता था सामने. तो अभी वो सब चीज़ें मिस कर रही हूँ, बट चलो कोई नहीं, इट विल टेक सम टाइम. Come here. I'm missing my dog. I was a dog mother. Oh yeah. Yes. Oh, Jackie, I'm so sorry. Jasper, can you please come here?
Please, please. He's okay. He's afraid of me. Oh, it's a huge. He's afraid of everyone. Okay. Hey. Oh, there you go. See, it's on it. Can you come here, please? Oh, hello. Good boy. Yeah. He's so sweet. He's so nice. Thank you. Yeah, of course. Have a good day. Thank you. Same to you. Take care. सो एक डिफरेंट बात जो मैंने सुबह आप लोगों को बोली थी बताने के लिए, जो मैंने कहा था कि मैं बाद में चल के बताऊंगी आप लोगों को, वो पता है क्या है? गेस व्हाट, अवे टाइम हो रहा है शाम के 6 और लुक एट द सन, ऐसा लग रहा है जैसे अभी दोपहर के 2 या 3 इस तरह का कोई टाइम हो रहा हो.